उठाए थे वो राष्ट्रपति जी के संज्ञान में लाए। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% के आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। इस पर मध्य प्रदेश के पीएचडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि SC/ST वर्ग को दिए गए आरक्षण से यदि छेड़छाड़ न की जाए तो हम इसके पक्षधर हैं। मंत्री वर्मा ने इसे पीएम मोदी का चुनावी स्टंट बताते हुए कहा कि शुरुआती वर्ष में ही यह अध्यादेश लाना चाहिए था, जिससे सामान्य वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलता। कि उन्होंने इस अध्यादेश पे अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जो आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग को संविधान में प्रदत्त है, उन्हें दिया गया है, उसे बिना छेड़े बिना हाथ लगाए यदि सवर्ण समाज के बच्चों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो हम उसके पक्षधर हैं। बिल्कुल ये चुनावी स्टंट कहना चाहिए। 5 साल की सरकार होने आई, शुरुआती वर्ष में ही यह अध्यादेश लाना था ताकि इन 4-4.5 वर्षों में सही मायनों में सवर्ण समाज के बच्चों को लाभ मिल पाता। इसके बाद भी मेरा कहना है कि कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान में प्रदत्त आरक्षण को